वो लोग खाली चलाते ऐसे बस, खाली क्या है वो लोग, आना है जाना, खाली पैसा कमाने का बस। काम होने के बाद आएगा, घर घुसेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। माता जी मोदी जी का नाम सुनकर चली गई, अभी तो हमारी जिंदगी गया। खाली वोट के लिए ऐसा करते, वोट होने के बाद लात दिखाते, पहला हाथ जोड़ते, बाद में लात दिखाते। खाने का ही प्रॉब्लम हो गया, उड़ेगा कैसा। आज मरने के बाद कोई भी नहीं देखेगा। अभी कुछ नहीं किया, अपना झोपड़पट्टियों से ही रह गया पूरा। हम नहीं देंगे वोट, क्यों देंगे। अपने बर्तन घस घस के हम पैसा रखा है। हम लोग के लिए गरीब लोग को रिक्शा नहीं चाहिए। शाहरुख खान आ गया। कम करना चाहिए महंगाई, बहुत किया है। अंग्रेज के राज में ये नहीं था। फिर लोग भी बहुत डरते हैं मेरे से। रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, ब्रिज खाना है पब्लिक को। लेगा तो हम बता देंगे। अभी ये मोदी आया ना, जल्दी से सोप टैक्स लगाए सोप पे। पानी का कितना समस्या हम लोग को मालूम है, पानी मिलता नहीं है कुछ। हम तो देखा नहीं, आया नहीं, खाली फोटो आता है उसका गाड़ी पे। नहीं, काम धंधा ठीक नहीं है। उसके बाद में सब महंगाई बढ़ गई। अब बोलते नहीं था लोग, गरीब लोग का करते क्या करते, गरीब लोग का कोई नहीं कुछ करता है, वो नहीं कर पर भरोसा नहीं है। 3,000 की 30,000 महंगाई कर दी उन्होंने। ऐसा ही करने का है, नेताओं के साथ यही करना चाहिए, साथ वही करने का। मरने वाले का करा होगा, अभी मरेगा तो चलेगा मोदी। क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ लफीसा खान। इस वक्त हम विले पार्ले विधानसभा में, यहाँ पर UBT उद्धव गुट का जो मुकाबला होगा वो BJP के विधायक से होगा। मौजूदा विधायक है, दोबारी से और तीसरी बार चुनावी मैदान में, देखेंगे कि कौन बाजी मारता है। लेकिन आपको दिखा दें कि विले पार्ले की बस्ती और यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं। शायद इनके लिए नया होगा कि यहाँ मीडिया वाला कोई आए और ऐसे बातचीत करें, तो देखने भी आए होंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि इनसे यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे को समझने की, कि यहाँ क्या मुद्दे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। महिलाएं यहाँ पर हैं और महिलाओं को खूब लुभाया जा रहा है, कहीं पर 1500, कहीं 2100, तो कहीं 3000 का वादा किया जा रहा है। तो समझते हैं कि खाते में कितने पैसे आए और क्या ये आते ही रहेंगे या चुनावी लॉलीपॉप है, ये भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है दीदी आपका। मीरा गुप्ता। मीरा गुप्ता जी, बताइए क्या क्या समस्या है, इस इलाके की चुनाव है, नेताजी आ रहे हैं क्या। इस इलाके के चुनाव यही है कि भाई मदद करे, ये अपना झोपड़पट्टी सुधारे तो इंसान मदद करेगा। जब झोपड़पट्टी वसाई को सही रहेगा तो मदद क्या करेगा इंसान, किसको वोट देगा। कुछ संजीव ने अपना झोपड़पट्टी वसाई रह जा रहे हैं। अभी तक नेताजी ने कुछ किया। अभी कुछ नहीं किया, अपना झोपड़पट्टी वैसे ही रह गया पूरा। कितने साल से मैं 32 साल से है इधर, मैं 32 साल से मैं इतना अपना झोपड़पट्टी वैसे ही देख रहा है। कामकाज नहीं देखा आपने, विकास हुआ, ये आमदनी बड़ी हो, घर सुविधा अच्छी हुई। काम फूर्ति होऊन जाते थी, काम तो सांगते थे काम झालं कि ती गरीब मिल। क्या बोल रही है माता जी, क्या कि गरीब मर रहा है। देखो काम समझ, काम होने के बाद आएगा, घर घुसेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। आज मरने के बाद कोई भी नहीं देखेगा। मरने के बाद क्या धरने में पड़ेगा ना, देव अगर मत देव। अभी तो हमारी जिंदगी गया, मगर पीछे वाले को बहुत खाना पड़ेगा। हैं तो गरीब का कीमत इधर नहीं है, काम का कीमत है। काम होएगा ना तो ठोकर वो लोग को मारेगा अपना। गरीब का बहुत सम्मान कर रहे हैं मोदी जी अब। कमाल नहीं, जो मेहनत किया ना, पत्थर उठाया ना, उसको बोलता है मेहनत। अच्छा टेबल के ऊपर बैठ के खाएगा, लिखा पढ़ी करेगा, वो तकदीर खुल जाएगा हमारा। लेकिन मोदी सरकार है ना, अब तो डबल इंजन सरकार, अब तो कहते गरीबों के लिए काम करने वाले का करा होगा, अभी मरेगा तो चलेगा मोदी। क्या किया करने वाले को हो गई है माता जी। माता जी मोदी जी का नाम सुनकर चली गई। तो नहीं दिया बुड्ढे लोग को कोई बेटा संभालता। थोड़ा सा इधर आके बात करते, इधर आ जाएगा कैमरे से, इधर आ जाएगा जी। बहुत गुस्सा हो गई मोदी जी, मोदी का नाम पकड़ लीजिए उनको बता दीजिए। रिक्शा मिला नहीं, बहुत कोशिश की हम लोग रिक्शा मिलने के लिए, आधे घंटे से रिक्शा मिल रहा नहीं। वो अभी साथ में वो कभी से खड़ी है, मैं बोला रिक्शा रिक्शा रिक्शा, उसको सिटी मार रहा हो तो रिक्शा नहीं मिल रहा हो कि नहीं, इतना खाली रिक्शा है एरिया में, रिक्शा मिलना चाहिए ना। यातायात की भी समस्या है यहाँ पर, अभी इतना रिक्शा क्यों नहीं मिलते। बड़ा बड़ा साहब लोग चाहिए, उन लोग के लिए रिक्शा चाहिए, हम लोग के लिए गरीब लोग को रिक्शा नहीं चाहिए। बोलो कभी से आधे घंटे से रिक्शा खड़ी रहे, मैं तेरे भी रिक्शा को रुका दिया।
मोदी जी के नाम पर वो भड़क गए, रिक्शा ना मिलने पर भैया जी भड़क गए। भैया जी आप तो एकदम हीरो लग रहे हैं। अभी मेरे को पुलिस चौकी से आया मैं, अभी वापस मेरे को पुलिस चौकी। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम है अनिल मच्छिंद्र लोड जी, थोड़ा दादा जी रोड किनारे। बड़ा हीरो लुक लिया हुआ है आपने तो, बड़ा गजब लग रहा है। लोग भी चले जाएंगे मेरे साथ, मेरे को देख के हीरो लोग भी बहुत डरते हैं मेरे से। थोड़ा थोड़ा मोदी जी के अंदाज में भी बोलकर दिखाइए। बोलो ठीक हो? ये देखो मैं अभी इतना बहुत कोशिश की है, बहुत गरीब लोग को देख रहा हूँ, बहुत कैसे कैसे वो खा रहे कमी, वो लोग कमी बहुत पी रहे। मैं आज समस्याओं पर आ रही हूँ, लेकिन आप हीरो हैं तो थोड़ी कलाकारी करके दिखाइए। मैं हीरो रोज अमिताभ बच्चन बन जाइए। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान आ गया। ये तो वो बात हो गई कि नेताओं ने योजना की घोषणा कुछ और की और मौके पर कुछ और मिला। आ रही हूँ माता जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मिलेगा तो हम बता देंगे। आपको डंडा भी पड़ सकता है, डंडा। अच्छा नेताओं को क्या बताने वाला, इधर आएगा बहुत मैं तो। नेता भी आ रहे होंगे हाथ जोड़कर वोट मांगने। वो लोग की भी मदद करना चाहता हूँ मैं। आप मदद करेंगे नेताओं की? कैसी मदद? मदद कर सकते हैं मैं। कैसी मदद? गरीब लोग खा रहे ने पीरे ने, वो लोग को पैसा कम गिर रहा है, मिलना चाहिए उनको ज्यादा। कांदा वो सब महंगा हो गया, 40-60 रुपए कभी बढ़ा रहे, 10-20 रुपए बढ़ा रहे, वो लोग को अपन कम करना चाहिए। हर एक तेल अभी माँ बोल रही है मेरे को, तेल अभी 5 किलो ले ले। हाँ। माँ के लिए मैं सब कर सकता हूँ। वो बात मेरे पास माँ है। हाँ मेरी माँ, बस मेरी माँ है। महंगाई महंगाई बड़ी समस्या है, बहुत बढ़ रही है महंगाई। कम होना चाहिए। और अपना गैस का भी भाव बढ़ गया है, वो भी थोड़ा अपना कम होना चाहिए। पहले तो 840 था, अभी वो लोग ने भाव बढ़ा दिया, कम करना चाहिए अपन। इसके वजह से सब भाव कम होना चाहिए। और क्या क्या समस्याएं? यातायात हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधा ठीक है इधर? नहीं, काम धंधा ठीक नहीं है। कभी कभी वो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा नहीं। फिर नेताजी कैसे हैं आपके? नेताजी विधायक जी तो इधर हैं, काम करते हैं। तो लोगों है ना चोरी बीरी कर रहे है, क्या वो लोग का पसर अपना चोरी करके वो लोग का पेट भर रहे है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए क्या नाम बताया आपने अपना? अनिल। अनिल जी थोड़ा आप तो कलाकार हैं और बड़ी बाखूबी अच्छी कलाकारी कर रहे हैं। हीरो बनता हूँ और रोज हीरो बनना चाहता हूँ। तो आपका सपना हीरो बनने का? हीरो बनने का। तो सपनों वाली नगरी है या सपना पूरा होता है सपना? मेरी माँ, मेरे लिए मेरी माँ ही बहुत सही है और कोई नहीं। मोदी जी भी माँ को बहुत मानते हैं। माँ के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ठीक है, माँ माँ सबके लिए बहुत जरूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, ऐसा ये बताएगा सर। अनिल जी नेता भी आ रहे हैं तो कैसे वोट मांग रहे हैं, कैसे चलते हैं, थोड़ा कर दिखाइए मुझे। इन दिनों बड़े नेताओं के भाव बढ़े हुए हैं। वो लोग खाली चलाते हैं ऐसे, बस खाली क्या है, वो लोग को आना है जाना, खाली पैसा कमाने का, बस एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हर एक पूरे पब्लिक अपने एरिया में, ये अपने एरिया तोड़ना नहीं चाहिए। आपने ये बोलते ना एयरपोर्ट, इसकी कीमत को कितना है मालूम है? करोड़ है। वो लोग लंबा भेजेंगे उनको, कैसे चलेगा? आप कह रहे तोड़ना नहीं चाहिए, तो क्या यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि बस्ती टूटेगा? इधर ही चाहिए एरिया, इधर ही चाहिए बना के। 5 नंबर का इधर का चकल है ना, 5 नंबर का तोड़ के बिल्डिंग बनाए, वैसा बना के इधर ही चाहिए अपने को। मेरे को एरिया तोड़ के नहीं चाहिए। कौन देगा, कौन सी पार्टी देगा? पार्टी देगा, कांग्रेस देगा, मैं कांग्रेस के लिए खड़ा हूँ। वोट मांगने से थोड़ा कांग्रेस के लिए? हाँ वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि उधर तो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं एनडीए के लिए। खाली अपना हाथी काफी है, हाथी काफी है, खाली खड़ा रहेंगे ना। पंजा जो है तो बेअसर हो गया, कह रहे कमल खिल गया। खाली हाथ दिखाया ना बस अपना नाम बढ़ेगा। हाँ भाई बहुत पब्लिक का पूरा एरिया खड़ा कर देगा, पूरा पब्लिक पूरा अपना। चलिए ठीक है, ये बड़े मजेदार व्यक्ति हैं अनिल जी। इन्होंने अपने ही अंदाज में बता दिया कि चुनाव किस ओर जा रहा है। महंगाई से दिक्कत हो रही है? हाँ कम करना चाहिए, महंगाई बहुत किया है। थोड़ा सा ज़रा क्या चाहिए? महंगाई कितना किया है मोदी जी ने, लड़के बहन ने पैसा दिया है, पूरा वसूल हो रहा है। जरा थोड़ा सा मैडम जी के पास। मैडम जी क्या नाम है माता जी आपका? चंद्रभागा वेदरकर। क्या देख रही हैं इन दिनों, क्या चल रहा है, समस्याएं क्या क्या है?
क्या क्या महंगाई बढ़ गया है। 10,000 गरीब बैंक में रखा ना, उसको टैक्स लगाता है, बीमार गिरता है, उसका शारीर रहता है, क्या भी होता है, फिर 10,000 को उसको टैक्स लगाए तो गरीब लोग क्या करेगा। तो गरीबों की चिंता तो मोदी जी ने ले ली। मोदी जी कह रहे मैं संभाल लूंगा सब। 50,000 रुपया काट लिया गए साल में हम लोग का, बुढ़ी बर्तन घस घस के हम पैसा रखा है, तो वो पैसे का टैक्स काट लिया 50,000 रुपया। टैक्स कट लिया 50,000 कट लिया, तो कितर कितर जाओ बोलता है वकील के पास, किधर जाएगा वकील के पास। हम लोग समझता है क्या वकील के पास जाने का, काट के रो रो के महीना भर चुप बैठ गया, फिर ये हार कर बैठ गया कि नहीं मिलेगा समाधान। नौ कराने आधार कार्ड बोल के हमको मालूम नहीं था, नहीं करा है वो 50,000 रुपया काट लिया है। बोला 50,000 तो माता जी बहुत होता है गरीब के लिए, बड़ी रकम होती है। 50,000 रुपये नहीं, हाँ तो 50,000 रुपये कितना हो गया, 1,000-2,000 से जमा करेगा पैसा। अच्छा कैसे हैं नेता जी, कैसे हैं आपके इधर आते हैं कभी पूछे? हम तो देखा नहीं, आया नहीं, खाली फोटो आता है उसका गाड़ी पे, फोटो आता है। हाँ वो कभी आता है इधर, कभी भी नहीं आए पूछने, खाना खाने या पूछने की क्या हाल है? वो नहीं पूछता है इधर, वोटिंग आया लिया तो अपना अपना बढ़ाता है। सोने पर 1,00,000 रुपए सोना होगा, गरीब लोग बच्चे लोग को कुछ शादी में करने का हो तो क्या करेगा, क्या करेगा, इधर से लाएगा 1,00,000 रुपए एक तोला के लिए। ऐसा सो बढ़ाया, राशन पे टैक्स लगाया, कपड़ा लेने को गया तो उसको टैक्स लगाया, क्या करेगा। पहला था ये नहीं था, कांग्रेस के राज में ये नहीं था, सब अच्छा था। अभी मोदी आया ना जब इसे सब टैक्स लगाए, सब पे, सब पर टैक्स है, कपड़ा हो, खाना हो, यहाँ तक कि जो सुबह जरूरत का सामान है दिन भर का उस पर भी टैक्स है। दही ले ले तो दही भी टैक्स, 2,000-3,000 का ले आएगा तो उसको टैक्स लगता है, जीएसटी लगा देते हैं। वो लगाता क्या बोलता है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि मोदी जी के राज में गरीबों के अच्छे दिन आ गए। क्यों, ये 2,000-3,000-5,000 दिएगा तो गरीबी फट गए, अच्छे दिन आ गए। क्या अच्छे दिन, 80 रुपया किलो कांदा हो गया, क्या क्या अच्छे दिन आ गए, हम लोग कुछ नहीं है, खाली वोट के लिए ऐसा करते है, वोट होने के बाद लात दिखाते, पहला हाथ जोड़ते बाद में लात दिखाते। हाँ फिर वोट चाहिए तो हाथ, और जब वोट लेकर निकल गए तो फिर कुछ नहीं, कोई नहीं पहचानता है। फिर गरीबों का कौन है सुनने का, कोई वाले नहीं है, कोई दाता नहीं है उसका। लेकिन मोदी जी ने तो देखिए कल परसों भी यहाँ भाषण दिया, कहा कि मैं गरीबों का दर्द बहुत जानते है। हर नेता भाषण देते है मगर कोई निभाता नहीं वादा, कोई निभाता नहीं है। फिर कौन है जो आपकी समस्या को देखेगा सुनेगा, कौन करेगा? अपना मेहनत करते हो खाते है, कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, किसे जिता दिन में गटर भरता है हमारे गली में, कोई नहीं बना के दे रहा है, पानी नहीं मिलता है, क्या करेंगे हम लोग बोलो। पानी की तो बड़ी समस्या होती होगी दीदी, पानी का कितना समस्या हम लोग को मालूम है, पानी मिलता नहीं है, पानी का मिलता है गटर भर जाता है, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, क्या करेंगे बोलो। अब बोलते नेता लोग गरीब लोग का करते, क्या करते गरीब लोग का, कोई नहीं कुछ करता है, खाली बोलने के लिए सब आते है, वोट मांगने के लिए सब आते है, सब हाथ जोड़ेंगे, इलेक्शन है तो सब हाथ जोड़ के आएंगे, गटर गुटर में उसमें गली बोला में सब घुस जाएंगे, छोटी छोटी गलियों में भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, मगर इलेक्शन होगा तुमको नहीं हमको नहीं पहचानते, नहीं पहचानते नहीं, ऐसे करते नहीं है बोलते। तो बड़ी समस्या है मैम, फिर तो अभी जो नेता जी है अभी अभी आपके बीजेपी पार्टी से है इधर काम, ये कभी कुछ करा इन्होंने या नहीं किया? क्या किया, वो लड़के बहन का पैसा भेजा, उसके बाद में सब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, डबल हो गए। जो 100-200 रुपया कमाने वाला गौ क्या लेगा, दाल क्या लेगा, तेल क्या लेगा, गैस क्या लेगा, कैसा जिएगा? महंगाई तो थोड़ी बहुत पहले भी होती थी ना, अभी बीजेपी काम भी तो कर रही है ना, देखिए अच्छे दिन हो, शौचालय बनवा दिए, बता रहे सुनो, रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, ब्रिज खाना है पब्लिक को, शौचालय बनवा दिए, देखिए समस्या होती थी महिलाओं को पहले। अरे शौचालय तो ऐसा ही सोच करते थे पहले के, कांग्रेस में राज में हम लोग भी कुछ सोच करते थे पहले से, हम कांग्रेस में थे मालूम है, अभी मोदी जी का प्रचार था, पहली बार इलेक्शन में खड़ा हो गया, हमने प्रचार किया है, हमने पार्टी के लिए, हाँ जब भी वो प्रधानमंत्री बन गए, हाँ प्रधानमंत्री तो बन गए, प्रचार करेंगे उनके लिए? अभी नहीं, मैं हम लोग नहीं कर सकते, कोई करने वाले, मैं अभी हैंडीकैप हूँ। अच्छा तो कुछ आपको
मदद मिली? हैंडीकैप्ड है तो कुछ मदद मिली? कुछ नहीं। कोई आपका इलाज के लिए कोई मदद मिल गई हो? नहीं, प्राइवेट में मेरा सब हो गया, गांव में मेरी समस्या छोड़ो, ये पब्लिक का देखो। सरकारी अस्पताल कैसे हैं यहाँ पर? कौन जाता है सरकारी में? जाने वाले जाते, हाँ जो सीरियस होएगा वो जाता है। सर सुविधा अच्छी नहीं है सरकारी अस्पतालों में? क्या सुविधा है? ये देखो उधर उधर उनके पास जाओ, वो सरकारी। अच्छा ये बताइए, इस बार नेता बदल रही हैं आप या फिर उन्हें चुन रही हैं? अभी हम कैसा बोल सकते हैं, करना चाहिए बस। तो कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी महंगाई का? कौन कौन नहीं कर सकता, भरोसा नहीं है। मैंने क्या बताया तुमको, किसी के ऊपर अपना काम खुद की वोट तो देना ही है ना, किसी ना किसी को देना ही देना है, वोट तो देना जरूरी है। तो फिर इस बार किसको सोच रहे हैं, मन में क्या विचार? वादा नहीं कर सकते हम भी, नेता वादा कर रहे हैं कि 3,000 रुपए आएंगे खाते में, हम भी नया अंदर की बात नहीं बता सकते। महंगाई इतनी बढ़ाई उसका क्या है, 3,000 कुछ भी नहीं है। 3,000 जैसे कि उनको 30,000 देने जैसे हो रहे, 3,000 के 30,000 महंगाई कर दी उन्होंने, क्या फायदा हो 3,000 का, कुछ भी फायदा नहीं है। नेता बदलेंगी या नहीं चुनेंगी, क्या मन में कुछ तो विचार चल रहा हो? हम लोग हमारा कौन सा भी नेता आने दो, मगर महंगाई कम करो। बैठा लेंगे नेता को वही पर, महंगाई कम करोगे तो वोट देंगे? हाँ ऐसा थोड़ी बोल सकता है। अरे नेता जी आप ही के लिए तो है, सेवादार है आपके, बोल देना चाहिए। अभी इलेक्शन आया 20 तारीख को, ऐसा थोड़ी हम लोग जीत करके बैठेगा, ऐसा थोड़ी होता है। करने का कैसा करने का, क्या बोल रही दीदी आप? वैसा ही करने का है, नेताओं के साथ यही करना चाहिए, साथ वही करने का, महंगाई कम करो। मतलब जैसे ही वो प्रचार करना है तो उनको वहाँ पकड़ ले, पकड़ के बोलने का, महंगाई कम करो तो ही वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्या उम्मीद है महंगाई कम करेगा? देखिए बाटला उधर रिक्शा आ रहा, बाटला भी बड़ा महंगा है। बाटला भी महंगा है, गेहूँ चावल कांदा लहसुन सब महंगा हो गया, तेल। इस बार तो बड़ी समस्या होंगी, तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या मन बना रहे हैं इस बार, क्या बदलाव करेंगे, क्या करेंगे? पते की बात बोल रही हूँ, बताइए पते की बात बताइए। फिर हम कितना साल से रह रहे इधर, इतना बड़ा बड़ा जंगल था, कैसा था, इतना बड़ा बड़ा होल था, कैसा कैसा हमने दिन निकाला, हमको किधर भी ला के फेंक देंगे, मगर हमको इधर ही चाहिए, इधर ही चाहिए आपको। हाँ रूम चाहिए। कौन देगा रूम? अभी जो देश चला रहा है वो देगा, और कौन देगा? अरे वाह पलटी मार लिया आपने तो, नेताओं की तरह बदल गए हैं आप तो। फिर आप तो यहाँ की नेता लग रहे हैं, बड़े नेता, ये पार्टी से वो पार्टी से, हम तो आम आदमी हैं। दिन का सुनते ही भड़क गई थी, गुस्सा हो गई थी, कैमरा बंद करवा रही थी, और अब पलटी मार ली कि जो देश चला रहे वो हमें घर देंगे, हालांकि वादा ये भी था। झुग्गी, अच्छा बताए झुग्गी मकान तो अभी तक मुझे दिखा नहीं कहीं पर भी, यहाँ पर किधर झुग्गी के बदले मकान दिया क्या? ये योजना लाए थे मोदी जी भी, केंद्र सरकार इधर नहीं दिया कुछ, वो गांव में दिया है किधर किधर, वो तो पहले से चालू है, कांग्रेस का राज था ना जब भी से चालू है वो, अभी क्या बदला है, खाली ब्रिज बड़े बड़े हाईवे जोड़ दिया, अरे उड़ना भी तो होता है ना, को मारो गोली। अरे देखो मैं क्या बोल रही, जिसके जिसके पास 7 गाड़ी है 8 गाड़ी है वो लोग को तो इसका परेशानी हो रहा है ना, गरीब लोग का क्या। माता जी ये भी तो कहते हैं ना पीएम मोदी की हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा, तो सोचिए आप प्लेन में उड़ेंगी अगर मोदी जी जीतते रहे तो? अरे प्लेन में उड़े या ना उड़े, पहला ये बाल बच्चे वो तो सुरक्षित रहे, लड़की लोग का कितना क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं दीदी, खाने का ही प्रॉब्लम हो गया, उड़ेगा कैसा, और लड़की लोग सुरक्षित है, खाली ही आधी हो गई है। अभी बीच तो राशन तो मिलता होगा ना, केंद्र की योजना मिलता है अभी कि, आज कितना तारीख है, महिलाओं ने एक साथ हाथ खड़े कर दिए राशन लेने है, कुछ नहीं दे रहे राशन, सारे खाली पसा दे रहे, पसा रहे वो, अभी सब बंद होएगा बोलते हैं, राशन नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं, ब्लैक में राशन, ब्लैक में बेचते, ब्लैक में मिलना 40 में, ब्लैक में सब ब्लैक में बेचते, क्या करेंगे बोला हम लोग गरीब लोग, अभी तक राशन नहीं मिला। बताइए मुफ्त का राशन जो केंद्र की योजना है जिसको लेकर पीएम मोदी अलग अलग मंचों से दावा करते हैं, वो ब्लैक में बेचते, ब्लैक में बेचते है। क्या बताया, दिवाली को बाटला मिलेगा, बाटला मिलेगा, और वो बाटला किसको मिलेगा मालूम है, जिसने 100 रुपए का मोदी जी का घ्यास आया है ना, लिया है ना, उसको ये बाटला मिलेगा, और जिस औरत ने
वो काय के तला मनते थी आगे थी मैं दे मत है ना औरत के नाम पे है ना गैस। हाँ मोदी जी का जो राशन कार्ड है ना उसके पास उसको ही मिलेगा। अच्छा। जो लाडली बहना के उस पे है उसको ही मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। कोई आदमी के नाम पे है कोई के लड़के के नाम पे वो लोग को नहीं मिलेगा गैस। लाइट वाइट आती है? लाइट आती है इधर? लाइट लाइट की समस्या है दीदी? बिल बढ़ गया लाइट का। लाइट तो आती है। भाषण खत्म हो गया नेताजी की तरह। बहरहाल देखिए विले पार्ले विधानसभा की जनता बड़ी होशियार लग रही है और महिलाओं ने तो मोर्चा ही खोल दिया। एक आवाज में सारी पोल खोल डाली कि क्या है क्या नहीं। बहरहाल यहाँ की जनता ने बाखूबी अपने अपने निराले अंदाज में बताया कि जनता के मुद्दे क्या है और इस बार क्या चुनाव कुछ बोलना चाह रहा है। अभी मोदी जी का वो पैसा लाडला बहन का पैसा हम लोग क्या करें? हम लोग को नहीं 65 साल के ऊपर हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग का वोट नहीं लेंगे क्या? वो हम नहीं देंगे वोट। क्यों देंगे? हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। कितना बुढ़ा लोग है वो वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी को एक आदमी को देगा मोदी क्या लाडला बहन का पैसा हम लोग को नहीं। क्यों नहीं? विधवा का पगार नहीं हम लोग को। अभी बच्चे कैसे है सबको मालूम है। बच्चे बुढ़े लोग को हकाल देते खाना नहीं देते और ये पैसा किसके लाडले बहन को किसको मिलेगा? जिएगा आदमी को अब बुढ़े को हमारे जैसे को नहीं मिलेगा तो ये क्या है? आयुष्मान इलाज योजना जो है ये तो इससे तो फायदा होता रहा है तो किधर है? कोई भी नहीं निकल रहा है कोई नहीं। हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इलाज भी फ्री नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। बेंच में जाओ तो उधर दो दो घंटा तीन तीन घंटा बाहर का सोना पड़ता है। खुद मेरे साथ में ये देखो मेरा ऑपरेशन हुआ है कितना 60 टका है। इधर वो गली में गिरी है पाइप में गिर के 60 टका इसमें 1,20,000 का ऑपरेशन। तो वो कुछ नहीं दो दो घंटा तीन तीन घंटा रखेंगे उधर पेशेंट तड़पते रहेगा और डॉक्टर लोग नहीं रहेगा उधर। ऐसा बीएमसी में चालू है। देखिए झुग्गी बस्तियों में इलाकों में नेता गायब है। हालांकि चुनावी दौर चल रहा है तो नेता भी वोट मांगने के लिए घर घर गुजर रहे हैं गली गलियों से गुजर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं ऐसा माता जी बता रहे हैं। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि विले पार्ले की जनता इस बार क्या कह रही है। मुद्दे कई है महंगाई से लेकर बेरोजगारी तो करप्शन भी यहाँ पर मुद्दा है लेकिन महिलाओं ने जो मोर्चा खोला है देखते हैं इसका असर क्या पड़ने वाला है। यहाँ मौजूदा विधायक बीजेपी पार्टी से बताया भी जा रहा है कि काम खूब हुए और काम नहीं हुए ये असलियत भी सामने आ गई। देखते हैं कि उद्धव गुट और बीजेपी में कौन यहाँ पर बाजी मारता है और क्या विले पार्ले की जनता कोई संदेश देने वाली है महाराष्ट्र को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।